संगठन के हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पंजाब और चंडीगढ़ प्रभारी माननीय श्री हरीश चौधरी जी, मंच पर बैठी तमाम कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस की आन बान और शान, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, हमारे सामने बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, एक हफ्ता पहले मुझे श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद के साथ, श्री राहुल जी के आशीर्वाद के साथ चंडीगढ़ के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि मेरा नाम लकी जरूर है, मगर मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे कुर्सी पे बैठने की जगह सड़क से संघर्ष करने का मौका मिला। और वो व्यक्ति सचमुच में चमत्कार लीडर बन सकता है जिसको विपक्ष में काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि विपक्ष के अंदर भी काम कर आपकी लीडरशिप उभरती है। आज आप सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, मैं महरूम इकबाल जी की चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। महरूम इकबाल ने कहा है कि अगर तेरा लहू बहे जमीन पर, अगर तेरा लहू बहे जमीन पर तो तू गम न कर, हो सके तो इस जमीन से महकते गुलाब पैदा कर, हो सके तो इस जमीन से महकते गुलाब पैदा कर, इनकलाब की इबादत का अब तो इंतजार न कर, इनकलाब की इबादत का अब तो इंतजार न कर, हो सके तो खुद इनकलाब बनकर इनकलाब पैदा कर, इनकलाब पैदा कर, इनकलाब पैदा कर। आप सब साथी यहां पर एकत्रित हुए हैं आज मोदी सरकार की उस दमनकारी नीति के खिलाफ जो देश के अंदर एक नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आठ वर्ष पहले लोगों ने उनको चुना था, सोचा था मानो मोदी जी पता नहीं कौन सी गंगा आसमान से उतार कर इस जमीन पर ले आएंगे, मगर हुआ क्या, जिस बात पर मोदी सरकार आई थी, पहला नारा था उनका बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। और अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे आठ वर्षों के बाद कि बहुत हुई महंगाई की सार, चलती करो मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, चलती करो मोदी सरकार। और दूसरा क्या था, दूसरा था कि हम सैकड़ों करोड़ काला धन विदेशों से लेकर यहां पर आएंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।